जय दोस्तों, अखंड भारत में आपका स्वागत है। दो दिन पहले हमने एक वीडियो पोस्ट की थी, एक न्यूज़ पोस्ट की थी, जिसमें एक कथाकथित किसान जो अपने आप को कहता था कि वो किसान है, वो एक आम नागरिक को धमकाते हुए नज़र आ रहा था, हाथ में हथियार लेकर उसको काटने की धमकी दे रहा था। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इस व्यक्ति की विचारधारा इनसे नहीं मिलती थी। और पंजाब में आज के टाइम पे यही चल रहा है कि अगर आपकी विचारधारा कथाकथित किसानों के साथ या कथाकथित खालिस्तानी सिखों के साथ नहीं मिलती तो आपको बुरे नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। और ऐसे कथाकथित किसानों और ऐसे कथाकथित खालिस्तानी सिखों की नज़र हमेशा हिंदुओं पर ही रहती है। पंजाब में हिंदुओं के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से हिंदुओं की आवाज़ दबाई जा रही है, ये आए दिन हम आपको पंजाब के हिंदुओं की स्थिति के बारे में बताते हैं। अभी आप देखिए कि ये व्यक्ति, ये अमित है, जो कि पंजाब के नकोदर के रहने वाले हैं, इनके साथ क्या हुआ। इन्होंने अपनी पूरी घटना का अपने मुंह से बताया कि इनके साथ क्या किया गया और इनके साथ क्यों किया गया, ये भी इन्होंने अपनी इस वीडियो में बताया। ये वीडियो देखने के बाद आपको यही महसूस होगा कि पंजाब में शायद तालिबान का राज है, जो कि आपको सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अभी की स्थिति तो यही कहती है कि पंजाब में शायद तालिबान राज चल रहा है। जय श्री राम दोस्तों, मैं अमित लाली नकोदर तो हूँ। तुहानू मेरे एक इशू बारे पता लग गया होगा, जो एक वीडियो वायरल कर दिती गई कि मैं किसान विरोधी हाँ, जबकि मेरा कोई इदा मतलब नहीं है, ना ही मैं किसान विरोधी हाँ। मेनू किसान विरोधी पेश किया जा रहा है, सिर्फ एक विचार चर्चा हुई है जिदे विच मैं अपने विचार रखे, उस बंदे ने अपने विचार रखे, उस विचारां दे विच तकरार हुई, तकरार दे विच उन्होंने मेनू गालां कढ़नियां शुरू कर दित्तियां। मेनू कहा तू मोदी भगत आ, तू RSS दा बंदा आ, कह मोदी मुर्दाबाद। मैं नहीं कहा इस विच, मैं मेरा प्रधानमंत्री चुनिया हुआ प्रधानमंत्री मैं नहीं कहूंगा। उस विच इन्हां चढ़ गया, कहता तू साडा लून खा के हराम करदा आ, तू बिल दे पक्ष दे विच नहीं बोलदा। मेरी अपनी विचारधारा है, मैं विचारधारा नाल नहीं सहमत। ये डेमोक्रेसी मेरे लागू नहीं होंगी, ये धक्का नहीं हो रहा मेरे नाल। मैं दो दिन तो अपने घर नहीं गया, मेरा बच्चा मेनू बार बार वीडियो कॉल करके फोन कर रहा है, पापा कित्थे आ, ओ मजे नाल उसे बैठे आ, प्रशासन मेरे ते ध्यान नहीं देगा। जिवें कि तुसी वीडियो दे विच देखिया, हथियार दे लैके मेनू थ्रेट कर रहा है भी मैं तेनू वढ दूंगा। मैं घरों बेघर होके दो दिन तो कदी कितने धक्के खा रहा, कदी कितने धक्के खा रहा। मेरा कसूर सिर्फ यह आ भी मैं पंजाब का एक व्यापारी वर्ग का बंदा आ, कोई व्यापारक जथेबंदी मेरे नाल नहीं है, सिर्फ मैं हिंदू हाँ। इस करके मेनू टारगेट किया जा रहा, मेनू बिना मतलब तो किसान विरोधी पेश किया जा रहा है, मेनू प्रेशर पाया जा रहा, तू माफी मांग, जिहड़ी मैं गलती की नहीं उस मैं माफी किवें मंग लवां। माफी मंगवा के मेनू कसूरवार पेश किया जा रहा समाज के विच, जो मेरी वीडियो वायरल कर दिती गई, जो मेरी इंसल्ट कर दिती गई समाज के विच, जिहदा मैं भागीदार नहीं, ओहदा न्याय मेनू कौन देगा। डेमोक्रेसी मेरे ते लागू नहीं होंदी,